जैसे मैंने कहा था मेरे पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं, उनका ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग है। ये संजय झाला सच्ची घटना, हमारे घर आए अर्चना जी और जैसा कि खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है। अच्छा। और ये इनको पता ही नहीं कि मेरे बाप से मिल रहे थे। अच्छा। जब पहली बार आए, मैं संजय झाला देश का कवि हूँ और मेरे को आचार्य कहते हैं, प्यासे के आचार्य से मिलने आया और ये तो बोले इस घर में सबसे बड़ा आचार्य तो मैं हूँ। अरे बोले नहीं, उनसे मेरा नाम लिया, उनसे मिलने आया। चले अच्छा ठीक है, मैं कवि हूँ। तो पिताजी बोले अच्छा एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो इन्होंने लगा कि मेरा परिचय ध्यान से सुना नहीं है। बोले सर मैं संजय झाला देश का बहुत बड़ा कवि। तो बोले दो कुर्सी लेके बैठ जा। ये जिंदगी में चमत्कार खुद ही निकल के आते हैं। बहुत बढ़िया। मैं उनका बता दूं, अभी उनको ईश्वर उन्हें शतायु करे, किडनी की समस्या है, तो अभी अस्पताल में काफी दिन रहे और अभी भी दिक्कत में है। लेकिन उनका ह्यूमर वहां भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी। जब अस्पताल में गए तो बोले यार बहुत दिन हो गए यार, अब घर चले। मैंने कहा देख लो घर पे मम्मी है। बोले फिर यही रहने दे। फिर बोले यार ये किडनी का क्या है क्या? मैंने कहा देखें बात करते हैं, शायद ट्रांसप्लांट हो जाए। तो बोले पूछ पुरानी का क्या देंगे। ये उनका ह्यूमर, ये जिंदगी का ह्यूमर है। हम गाली भी नहीं देते बिना बात की। अच्छा। गाली भी नहीं देते। ये मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था ये। बोले बिना गाली दिए काम चल सकता है तो क्यों देने। जब जा रहे थे ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन में जा रहे थे तो कहीं चाय वाय पीने उतरे तो वापस आके देखा तो उनकी सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। अच्छा। अब वो के मेरी सीट, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था। मैं संस्कार नहीं है ना हमारे, गाली क्यों देनी। तो नमस्कार किया। वह नमस्कार, आपका नाम? बोले शांतिलाल। पिताजी बोले बहुत अच्छा शांतिलाल जी, आपके पिताजी का नाम? बोले कांतिलाल। बोले शांतिलाल जी ये सीट कांतिलाल जी की नहीं है। कैसे ह्यूमर कैसे निकलता है जिंदगी से? उनका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि उनके शब्द बाद में आते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। अच्छा। थोड़ा टाइमिंग का इशू है। टाइमिंग का इशू है तो शब्द बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। तो एक दिन आया मैं जो सुबह ही सुबह घर पे आ गए, बोले मैंने कहा क्या हुआ? अरे मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या? बोले मोटरसाइकिल। मैंने कहा अच्छा 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 मोटरसाइकिल लेके बाजार जा रहा था। तो मैंने कहा तो? बोले एक गांव वाला आया, क्लच में धोती फंस गई। मैंने कहा फिर? बोले फट गई धोती। धोती फट गई। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, इधर। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोले धोती फटी है, पैसे दे। मैंने कहा कितने? बोले 70 रुपए। मैंने 70 रुपए दिए। अब वो जाने लगा, मैंने पकड़ लिया, किधर? बोले क्यों? बोले पैसे दिए, धोती दे। अच्छा है। बहुत अच्छा चले जाइए। वाह वाह। बोले 700 दे के गया। बहुत बढ़िया शायद। ये हमारे मतलब ऐसे ही जिंदगी में से हाथ से निकलता है, व्यंग निकलता है, करुणा निकलती है। बहुत बढ़िया। शरद जोशी जी की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि उधार देने वाला दे देता है, लेकिन वो कहते हैं उधार मांगने वाला एक बार मांगता है और देने वाला फिर बार बार मांगता है। दे दे भाई, दे दे भाई। अर्चना जी आपको मैं एक और बात बताऊं, पॉपुलर मेरठी साहब जो है जी, ये मेरठिया अरबी भाषा बड़ी इनको अच्छा ज्ञान है। मैंने वो किस्सा सुना आपका, कोई ड्राई फ्रूट की दुकान पे दुबई में, क्या हुआ था सर वो थोड़ा प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। असल में मैं मेरे साथ एक कुमार विश्वास साहब थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जरा आप भी तो अरबी बोल लेते, तो मैंने उनसे अरबी में बात की। वो ने यरा मखर हायरा इन खैर मन वहा वो न रिहा मनो को निवारा यकर मनु उसी मना खा यंगरणा कपिल भाई वक्री सुतुल मैं शैलेश भाई वक्री राणु यार इंद्रा मतलब तो मुझे भी नहीं पता।
मार पर आप इन तरह से गोरे चिट्टे लगते भी हैं कि इनके तेल के कुएं थे अब लुट चुके हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है, आज का जो हमारा एपिसोड है ये पूरे दुनिया को भाएगा। वाह, आज बाहर से यहाँ इतने शायर आए हैं, हमारा शायर कब वापस आएगा? संजय जी का ना फोन आया था मेरे को। अच्छा? हाँ, बोल रहे थे सपना तुम सूट में बहुत अच्छी लगोगी। तो देखो सर, मैं ये चिकन का सूट पहन कर आई हूँ। हाँ, एक्चुअली वो तो मेरे को पहले मटन का दे रहे थे। हाँ, लेकिन मेरा ना कोलेस्ट्रॉल का बहुत प्रॉब्लम है। ये तो वेजिटेरियन है। ये वेजिटेरियन है? हाँ, काय झाला, मजा आला? और कैसे है? अरे देखो, मेरे किस्मत का सितारा भी कैसे घूमा है, देखो तो मुझे किसने आके चूमा है। मेरा काम, एक मिनट सर, पप्पू वो लोग आए ले, तूने उन ध्यान तक नहीं दिया। ये क्या है? अरे वाह, अरे वाह, वाह। हाय मैम, थैंक यू सो मच। आप तीनों को नए शॉल की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू शॉल। तो ये सम्मान में नया शॉल दे रही है? नहीं नहीं पागल है, बेच रही हूँ मैं। हाँ, ये 1500 का है, ये 1200 वाला है। सपना, तूने शैलेश जी को शॉल क्यों नहीं दिया? यही तो बेच रहे हैं मेरे साथ में। आप जो सर इतना बढ़िया पोएट्री करते हैं, जो आप टीवी वीवी में सर शो भी करते हैं, इसमें आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता क्या? अरे बहुत पैसे मिलते हैं उनको। तो फिर पोएट्री क्यों करते हैं? उनको शौक है पोएट्री करने का। अच्छा, मतलब जो टीवी पे काम करते हैं उसका शौक नहीं है आपको? अरे उसका भी, दोनों का शौक है। अच्छा, दो दो शौक है। काफी शौकीन आदमी लगते हैं मेरे को। खुल रहा है क्या, बता दो पहले। और संजय जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। मैंने आपके मैं भी वैसे ही जैसे मैं आपकी हूँ। मेरे को एक और चीज आप सब लोगों से पूछने का था। लोग जैसे सर दिल टूटने पे शायरी लिखते हैं, तो जब टांग टूट जाती है, प्लेट टूट जाता है, कप टूट जाता है, इस पे आप लोग सब शायरी क्यों नहीं लिखते हैं सर? फालतू की बातें कर रही इधर आके, ये बार बार क्या पूछता रहता है? फालतू की बात, फालतू की बात में बहुत मजा आता है रे कपू। हाँ, आजकल की दुनिया सर कितनी नकली हो गई है, पॉपुलर अंकल जी। क्या नकली दुनिया, क्या दुनिया, काली पुकड़। अरे लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, कितना पैसा कमाता है, क्या चल रहा है? वो नाइस है यार, इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। आजकल के सर जितने दोस्त लोग हैं ना, वो आपस में टाइम पास नहीं करते, इसलिए लोगों के बाईपास हो रहे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। टाइम पास करना बहुत जरूरी है। ये इसने जानबूझ के नहीं की, अच्छी बात निकल गई है ना। हाँ, मेरा होता है गलती से, कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं ना, अच्छे लोगों को देखकर तो अच्छी बात ही निकलेगी ना मुझसे। क्या बात है, इनके लिए जोरदार ताली होगी। मैं तो मानती हूँ अर्चना जी, जिंदगी में ना घूमना फिरना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। मैं सर बहुत घूमती फिरती हूँ। हाँ, अभी मैं उधर गई थी ना, बनारस गई थी, उधर मैंने सर बनारसी पान खाया। फिर मैं वो दिल्ली में गई थी, मैंने दिल्ली की चाट खाई। फिर मैं मीरठ गई थी, उधर मैंने पेठा खाया। पेठा तो आगरा का फेमस है। भूख तो मेरे को मीरठ में लगी थी ना। क्या याद करो। हाँ कप्पू, तू भी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।